हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करेंगे मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, जिसको शॉर्ट में हम MSDS भी बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट होता क्या है, उसके बाद हम इसके सेक्शन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट क्या है। सबसे पहले ये मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट इस डॉक्यूमेंट, ये क्या है, डॉक्यूमेंट है विच लिस्ट आउट हजार्डस केमिकल, जो हजार्डस केमिकल को लिस्ट आउट करता है एंड इट पोटेंशियल हजार्ड, और इसमें क्या क्या पोटेंशियल हजार्ड है उसके बारे में बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख ले के फ्लेमेबिलिटी कितनी है, एक्सप्लोसिव नेप प्रॉपर्टी इसकी बताती है, हेल्थ हजार्ड कितना इफेक्ट करता है हेल्थ पे, फायर का कितना उसमें चांसेस होता है, रिएक्टिविटी कितना रिएक्शन कर सकता है एक दूसरे के साथ अगर मिल हो गया तो इसमें रिएक्टिविटी की कितनी चांसेस होती है, एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, तो इन्वायरमेंट पे कितना ये इम्पैक्ट करेगा इसके बारे में MSDS बताता है। नेक्स्ट जो है, इट ऑल्सो लिस्ट आउट इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ पे कितना प्रभाव करेगा उसके बारे में लिस्ट आउट करता है, एंड हाउ टू वर्क सेफली विद द केमिकल प्रोडक्ट, केमिकल प्रोडक्ट के साथ सेफली कैसे काम करें इसके बारे में भी MSDS बताता है। नेक्स्ट जो है, इट हैज ऑल्सो इंफॉर्मेशन ऑन द यूज, इसका यूज किस तरह से करना उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया रहता है, स्टोरेज के बारे में इंफॉर्मेशन रहता है, हैंडलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहता है, और इमरजेंसी अगर कुछ हो गया तो इमरजेंसी प्रोसीजर क्या है उसको कैसे हैंडल करना है इसके बारे में भी इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। नेक्स्ट जो है, MSDS आर प्रिपेयर्ड बाय सप्लायर और मैन्युफैक्चरर, तो इसको MSDS को कौन प्रिपेयर करता है, जो उस केमिकल को या उस प्रोडक्ट को बनाता है, तो सप्लायर या मैन्युफैक्चरर जो सप्लाई कर रहा है या मैन्युफैक्चरर जो बना रहा है उसके द्वारा MSDS बनाया जाता है। नेक्स्ट है, इट टेल्स व्हाट टू डू इफ एक्सीडेंट अकर, ये भी बताता है कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उस केस में क्या करना चाहिए, कैसे उससे बचना चाहिए, तो इसके बारे में है जो MSDS बताता है। नेक्स्ट है, हाउ टू रिकॉग्नाइज सिम्टम ऑफ एक्सपोजर और ह्यूमन, तो अगर किसी ह्यूमन पे अगर इसका एक्सपोजर हो गया है तो उसका सिम्टम क्या एक्सपोजर होगा उसके बारे में भी ये इसमें क्लियर करता है। नेक्स्ट है, अब इसके हम सेक्शन पे बात कर लेते हैं कि सेक्शन ऑफ मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट में कितने सेक्शन होते हैं उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला सेक्शन होता है केमिकल प्रोडक्ट एंड कंपनी आइडेंटिफिकेशन, केमिकल प्रोडक्ट क्या है और किस कंपनी ने उसको बनाया है उस पे उसमें लिखा रहेगा। दूसरा, इंफॉर्मेशन ऑन इंग्रेडिएंट्स, मतलब उसमें कंपोजिशन क्या क्या मिला हुआ है, किन किन कंपोजिशन के मिलने से वो बना है। नेक्स्ट है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, इसमें क्या क्या निहित हजार्ड है उसके बारे में बताया, जो पार्टिकुलर केमिकल जिसका MSDS रहेगा तो उसका हजार्ड आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताएगा। नेक्स्ट, फर्स्ट एड मेजर, अगर हजार से किसी का एक्सपोजर हो जाता है तो वहां पे फर्स्ट एड मेजर क्या लेना है इसके बारे में उसमें डिटेल लिखा रहेगा। फायर फाइटिंग मेजर, आग लग गई अगर उस केमिकल में तो यहाँ पे फायर फाइट कैसे करना है उसके बारे में डिटेल रहेगा। एक्सीडेंटल रिलीज मेजर, अगर एक्सीडेंटली रिलीज हो गया है, कहीं एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया है, सडन रिलीज हो गया, तो उस केस में यहाँ पे क्या क्या करना है उसके बारे में भी उसमें डिटेल लिखा रहता है। हैंडलिंग एंड स्टोरेज कैसे करना है उसका डिटेल लिखा रहेगा, हैंडल कैसे करना है, स्टोर कैसे करना है, क्या सेफ्टी मेजर इसमें लेने हैं। नेक्स्ट है एक्सपोजर कंट्रोल एंड पर्सनल प्रोटेक्शन, तो एक्सपोजर को कंट्रोल कैसे करें और पर्सनल प्रोटेक्शन को अपने आप को कैसे बचाएं इसके बारे में भी लिखा रहता है। जो इसका 9 नंबर सेक्शन है उसमें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है उसके बारे में डिटेल रहता है। इसके बाद रहता है स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी, अगर किसी केमिकल के साथ अगर इसका एक्सपोजर होता है तो उसके साथ स्टेबिलिटी कितनी रहेगी, मतलब रिएक्शन नहीं करेगा, और रिएक्टिविटी कितना रहेगा, मतलब रिएक्शन करेगा, तो उसके बारे में भी डिटेल लिखा रहता है कि किन किन के साथ स्टेबल रहेगा और किन किन के साथ इसकी रिएक्शन होगा। नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब ये टॉक्सिक कितना है, कितना पॉइजनस है इसके बारे में इसका इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। 12 नंबर है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, के जलीय जीव जो होते हैं उसके लिए कितना प्रॉब्लम या घातक हो सकता है उसके बारे में डिटेल जानकारी रहेगी। नेक्स्ट रहेगा डिस्पोजल कंसिडरेशन, इसको डिस्पोज कैसे कर सकते हैं तो उसके बारे में उसमें लिखा रहेगा कि इसको डिस्पोजल कैसे करना है। और ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन, अगर इसका ट्रांसपोर्टेशन
ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना है, चाहे टैंकर के माध्यम से चाहे और कोई माध्यम से, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहता है बहुत सारे कि क्या क्या करना है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, कुछ और भी चीजें हो सकती है, एक्सीडेंटल रिलीज भी हो सकता है, तो उस केस में क्या क्या वहाँ पे एक्शन लेना है उसके बारे में उसमें डिटेल लिखा रहता है। नेक्स्ट जो है रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन रहेगा, उसके बारे में रेगुलेशन क्या बोलता है, तो उस रेगुलेशन के तहत ही उसमें काम करने हैं। और नेक्स्ट जो है अदर इंफॉर्मेशन जो कि 16 नंबर सेक्शन पे रहेगा, कुछ अगर अलग से अगर इंफॉर्मेशन देना हो तो 16 में वो मेंशन किया हुआ रहता है। तो अभी आपने देखा दोस्तों कि मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट क्या होता है और इसके सेक्शन कितने हैं और हर एक सेक्शन में क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट उसके पहले मैं रिक्वेस्ट आपसे जरूर करना चाहेंगे, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में जरूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।